हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। वेस्ट बंगाल पुलिस भर्ती 2022, जी हाँ दोस्तों वेस्ट बंगाल में पुलिस की दोस्तों भर्ती आ चुकी है। पुरुष कांस्टेबल महिला कांस्टेबल की दोस्तों भर्ती निकाली गई है। 1600 प्लस वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें दोस्तों आप लोग जो हैं 29 मई से फॉर्म को ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 27 जून 2022 रखी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से यहाँ पे मेल कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको इस वीडियो में पीवीटी के बारे में और सिलेबस के बारे में, सिलेबस के साथ साथ दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की जानकारी आपको देने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। बिल्कुल दोस्तों सिलेबस, फिजिकल, इंटरव्यू सारी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले देख लो, यह है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, वेस्ट बंगाल पुलिस का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों इस वेबसाइट पर आ सकती हो। वेस्ट बंगाल पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एंड लेडी कॉन्स्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2022। तो दोस्तों कोलकाता पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। 26 मई 2022 को दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप लोग यहां पे देख सकते हो। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2022। गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नोटिस आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी यहां पे नंबर 2 आप लोग देखोगे, अगर फुल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो जो दूसरा नंबर है यहां पे आप लोग देखिए 26 मई का डेट मेंशन किया गया है। इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, गेट डिटेल्स आपको जो है फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, इसके बाद जो है आपको दोस्तों फुल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले यहां पे देख लो, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यहां पे देखोगे तो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स एंड लेडी कांस्टेबल्स इन कोलकाता पुलिस 2022 नोटिस है। नोटिस नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर है WB PRB नोटिस 2022/26 कांस्टेबल KP 2020। यहाँ पे देखोगे कांस्टेबल्स लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2022, एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप लोग जो हैं 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, तो 10वीं पास के साथ साथ अगर आप लोग 12वीं पास हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ पे देखोगे ये शॉर्ट नोटिस है, अभी दोस्तों ये नोटिस है, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। अभी इस नोटिस में बोला गया कि आप लोग 29 मई 2022 से लेकर 27 जून 2022 रात को 12 बजे तक जो है फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन पर। आप लोग देखिए 13 पेज का दोस्तों यह नोटिफिकेशन है, ऊपर आप लोग देख सकते हो वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें, नंबर 1 तो कांस्टेबल्स एंड लेडी कांस्टेबल्स इन कोलकाता पुलिस की वैकेंसी। पे स्केल की बात करें तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए 1410 वैकेंसी दोस्तों कॉन्स्टेबल के लिए है, मेल कॉन्स्टेबल की है। जी हाँ, मेल कॉन्स्टेबल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 1410 वैकेंसी है, और लेडी कॉन्स्टेबल के लिए 256 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लेना, लगभग 1600 प्लस वैकेंसी यहां पे रखी गई है, जिसमें देखोगे तो यूआर कैटेगरी में 283 वैकेंसी कांस्टेबल मेल के लिए है और 83 वैकेंसी लेडी कांस्टेबल के लिए है। बाकी यहां पे आप लोग देखोगे तो खेल कोटा की यहां पे यूआर कैटेगरी में वैकेंसी, एसटी के लिए वैकेंसी है, एससी के लिए वैकेंसी है, इसी तरह से आप लोग देखते रहिएगा। ओबीसी की यहां पे वैकेंसी है, 33 वैकेंसी मेल कांस्टेबल के लिए है और 5 वैकेंसी दोस्तों लेडी कांस्टेबल के लिए रखी गई है। टोटल 1600 प्लस वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल्स एंड लेडी कांस्टेबल्स की वैकेंसी निकाली गई है कोलकाता पुलिस की तरफ से। दोस्तों ये भर्ती आ चुकी है, इसका ऑनलाइन स्टार्ट जो है दोस्तों 29 मई से होगा। और आप लोग नीचे आओगे, देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप लोग 12वीं पास हो तो आप लोग दोस्तों फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसमें दोस्तों देखोगे नीचे तो एज क्राइटेरिया के बारे में बोला गया है कि आपका जो दोस्तों एज है 1 जनवरी 2022 को काउंट किया जाएगा,
ये यहाँ पे देखोगे 1 जनवरी 2022 को काउंट किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज दोस्तों 18 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम एज दोस्तों 27 ईयर्स रखी गई है। तो 18 से 27 वर्ष एज क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दोस्तों मिलने वाली है। लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपको बंगाली लैंग्वेज में लिखना पढ़ना बोलना आता है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, जैसे कि दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं, उत्तराखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट बंगाली लैंग्वेज में लिखना पढ़ना बोलना दोस्तों आपको आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे फिजिकल के बारे में बात करें, फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टेबल मेल के लिए दोस्तों जो यहाँ पर गोरखा हैं, जो गढ़वाली हैं, उनके लिए दोस्तों 167 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट, और हम बात कर रहे हैं मेल कांस्टेबल के लिए, और वेट की बात करें तो 57 सेंटीमीटर, एंड बाकी जो भी हैं उनके लिए दोस्तों और जो एसटी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर जो हाइट रखी गई है और 53 सेंटीमीटर वेट रखी गई है। और यहाँ पे चेस्ट आप लोग दोस्तों देख लेना। लेडी कांस्टेबल की बात करें तो गोरखाज के लिए, गढ़वालीज के लिए, एएसटी के लिए, उनके लिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर रखी गई हाइट, एंड वेट की बात करें तो 49, और यहाँ पे आल कैटेगरीज की बात करें, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, सभी लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और ऊपर मेल कांस्टेबल के लिए आल कैटेगरी के लिए 167 सेंटीमीटर, बाकी नीचे आओगे तो जो गोरखा हैं, जो एसटी हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और वेट 145 यहाँ पे रखी गई है। चेस्ट जो है लेडी कांस्टेबल को नहीं चाहिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो है प्री एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट दोस्तों, यानी कि प्री आपका एग्ज़ाम होगा, प्री आपका जो है प्री एग्ज़ाम होगा जो कि फुल मार्क्स 100, तो यानी कि दोस्तों एमसीक्यू बेस में कुल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का होगा, और इसकी दोस्तों जो लैंग्वेज है बंगाली एंड नेपाली लैंग्वेज में होगा, और 1 घंटे का समय होगा, यानी कि 60 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एमसीक्यू बेस दोस्तों क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बंगाली एंड नेपाली में होगा। और दोस्तों बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है ओएमआर बेस पे होगा, अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपका दोस्तों सीबीटी मोड में यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। आगे देखिए प्री की बात करें सिलेबस की, तो जीके एंड जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10वीं लेवल के मैथ से क्वेश्चन होंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा, और दोस्तों रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें, पीएमटी की बात करें, तो इसमें कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल कांस्टेबल के लिए, और लेडी कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट 30 सेकंड का यहाँ पे समय मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोस्तों आपका मेंस एग्ज़ाम होगा या फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 85 नंबर का होगा, और दोस्तों 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम है इसमें 85 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा मेंस, और 15 नंबर का दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका 85 नंबर का फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें दोस्तों बता दें 1 घंटे का समय होगा, 60 मिनट में 85 क्वेश्चन करने होंगे, एमसीक्यू बेस दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली एंड नेपाली लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें दोस्तों बता दें तो जनरल अवेयरनेस एंड जीके से दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और माध्यमिक लेवल पे मैथ से दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस से दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। अब यहाँ पे बता दें अगर आप लोग पीएमटी और पीएटी क्वालिफाई करोगे तभी आप लोगों का यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है फाइनल या मेंस एग्जाम में 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर आपका दोस्तों सीबीटी मोड में ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, और इसके बाद दोस्तों फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि बंगाली लैंग्वेज में ही आपका इंटरव्यू होगा, और यह दोस्तों 15 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। नीचे आओगे फिर आपका जो है वेरीफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें फिर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और फिर अगर हम बात करें तो 29 मई 2022 से 27 जून 2022
शाम को या रात को 12 बजे तक दोस्तों आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो आल कैटेगरीज की बात करें तो आल कैटेगरीज में जो वेस्ट बंगाल है उनके लिए एससी एसटी भी है तो 150 रुपये की अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस 20 रुपये है तो 170 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जो वेस्ट बंगाल के एससी हैं उनके लिए मात्र प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी 20 रुपये का, और जो एसटी हैं उनके लिए 20 रुपये का अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। बाकी सभी कैटेगरी के लिए चाहे एससी, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप यूआर कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपके लिए 170 रुपये का अप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जो वेस्ट बंगाल के एससी एसटी हैं उनके लिए 20 रुपये का मात्र प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आप लोग ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकती हो, यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकती हो, या आप लोग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी दोस्तों आप लोग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना, मैंने आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोगों का 29 मई से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग दोस्तों फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी है नीचे कमेंट कर दो। धन्यवाद।